नमस्कार दोस्तों, मीटिंग स्ट्रिंग के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विनोद, और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक पावरफुल वीडियो, या यूँ कहूँ कि पावर ऑफ एग्रीकल्चर। आज आप देखने वाले हैं कि कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा मुनाफा। एक हमारे जो बहुत से किसान साथी हैं, उनका कमेंट आता है कि हमारे पास पॉली हाउस नहीं है, आप जो वीडियो बनाते हैं वो पॉली हाउस के लिए बनाते हैं, तो हम ओपन फील्ड में अपन जो वेजिटेबल्स है वो कैसे करें, खेती कैसे करें। आज आप देख पा रहे हैं पूरा यहाँ पे खुला मैदान है, खुली खेती है, और खुली खेती में हम देखेंगे कि कौन सी सब्जियाँ आप कर सकते हैं, और वो भी स्पेशली कब कर सकते हैं। हमारे जो किसान हैं वो अधिकतर गेहूँ बाजरे की फसल करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम गेहूँ बाजरे की फसल तो करें ही, लेकिन उसके बीच में जो अप्रैल से लेकर जो जून जुलाई तक का ब्रेक होता है, उस ब्रेक के अंदर 3 से 4 महीने में भी आप 3 से 4 लाख रुपए कमा सकते हैं। प्रैक्टिकल आपके सामने है। हम पहुंचे हैं राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से एक टोडी गांव में, और वहां के एक किसान से आपको रूबरू करवाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने उन 3 महीनों में स्पेशली एक सब्जी करी, और उस सब्जी से उन्होंने 3 महीने में 3 लाख रुपए कमाए। यहाँ पे जिस सब्जी के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो सब्जी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैसे हम टिंडसी बोलते हैं यहाँ पे, आपकी लोकल भाषा में इसे क्या बोलते हैं वो आप कमेंट में जरूर डालें। हमारे राजस्थान सीकर जिले में इसको टिंडसी के नाम से पहचाना जाता है। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि बहुत से किसान भाई हमें कमेंट करते हैं कि हमें बताइए बीज कौन सा है, कब लगाई थी, कितना समय लगा, कितना खर्चा हुआ, वो सारी जानकारी हम इसमें शेयर करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी के हम आपको किसान भाई से मुलाकात करवाते हैं। छोटू जी, मीटिंग स्ट्रिंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी मीटिंग स्ट्रिंग के किसान भाइयों को नमस्कार। तो आप ये जो सब्जी वाला ये काम है, खेती वाला काम कब से कर रहे हैं आप? ये हमारे तो पूर्वजों से ही चलता आ रहा है। ठीक है, पहले आपके पिताजी क्या करते? पहले दादाजी करते थे, फिर पिताजी करते थे। ठीक है, तो छोटू जी आप ये बताइए कि आपने ये कौन सी फसल कर रखी है अभी सब्जी में? टिंडे की सब्जी, जिसको अपन टिंडसी बोलते हैं, मैंने आपको अभी पहले दिखाई भी था। और आपने बोई कब थी यहाँ पे? ये 27 अप्रैल को हमने बीज लगा दिए थे। 27 अप्रैल को बीज लगाया। 27 अप्रैल को जो आपने बीज लगाया, तो कौन सा बीज था, क्या वेरायटी, किस नाम से आपने बीज लिया था? हमने कालस वेरायटी। हाँ ठीक है, और यहाँ पे कितने सीड्स लगे, मतलब कितने नंबर बीज अपन ने लगाए? हमने यहाँ पर लगाए हैं 8000 बीज। साथियों, यहाँ पे जो ये जगह इन्होंने कवर किया हुआ है, आधा एकड़, लगभग 2 बीघा अपन बोल सकते हैं, और यहाँ पे इन्होंने 8000 बीज लगाए। 8000 बीज का इन्होंने प्रोडक्शन लिया। आगे अपन जानेंगे कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना इनको प्रॉफिट हुआ, वो सब अपन जानकारी यहाँ पे लेने वाले हैं। तो छोटू जी, आप यहाँ पे इनकी जो सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई के लिए आपने कौन कौन से तरीके अपनाए? सिंचाई के लिए हमने इसमें ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि जो ये पॉलीथीन लगी हुई है, इसके नीचे पॉलीथीन के नीचे पाइपलाइन और ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ में आपने यहाँ पे नोजल भी लगा रखे हैं, मिनी जो स्प्रिंकलर है वो आपने लगा रखे हैं, वो टेम्परेचर के लिए मिनी स्प्रिंकलर, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर हीट होता है, गर्मी होती है, तो आप इनको चला देते हैं 15 या 20 मिनट ओनली, 15 और 20 मिनट। और आप जो ड्रिप सिस्टम आपने लगा रखा है, ये कितना आप चलाते हैं पर डे? ये पर डे नहीं चलता, ये 2 दिन या 3 दिन के बाद में, और 2 घंटे चलाते हैं, मतलब 2 घंटे तक आप इनको चलाते हो। साथियों, अपने जब पोली हाउस का वीडियो बनाया था ना, वहाँ पे अपन बात करी थी, मैक्सिमम आधे घंटे की बात हो रही थी, वहाँ पे पर डे वो आधा घंटा चलाते हैं, वहाँ पे अगर नमी अच्छी हो तो वो 2 दिन 1 दिन का गैप देके वो चलाते हैं। यहाँ छोटू जी बता रहे हैं कि ये 2 से 3 दिन के बाद में 2 घंटे चलाते हैं। अब यहाँ पे कारण क्या है, खुले में है ये, और खुले में है तो कहने का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा होता है, तो ये ज़्यादा चलाते हैं यहाँ पे। फिर भी अपन बात करें अगर खुली सिंचाई की, तो उससे बहुत कम पानी के अंदर ये प्रोडक्शन ले लेते हैं यहाँ पे। उसके साथ में आप ये बताइए छोटू जी, कि और ऐसा कौन सा अपन को विशेष ध्यान रखना होता है इस फसल के लिए, जैसे कोई कीटनाशक की अपन बात करें, कोई ऐसा रोग हो, या कोई टेम्परेचर की ऐसी बात हो, कि वो अपन को विशेष ध्यान में रखना होता है, जिससे अपनी फसल ख़राब नहीं हो? इसमें फर्स्ट में 10 से 15 दिन के बीच में हमें कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ता है, एक बार 10 से 15 दिन। ठीक है, और जैसे आपने बताया कि आपने अप्रैल के अंदर ये फसल लगाई थी, हाँ जी, तो आपकी जो पहली तुड़ाई का अपन काम करते हैं, जैसे प्रोडक्शन लेना होता है, तो कितने दिन बाद शुरू होता है प्रोडक्शन? 35 से 40 दिन के बाद में स्टार्ट हो जाता है। 35 से 40 दिन बाद में आपने यहाँ पे प्रोडक्शन ले लिया था। हाँ जी। तो जो पहला जो आपने प्रोडक्शन लिया, वो कितना वजन था, कितना क्विंटल था उसमें? था हमारा 5 से 6 क्विंटल। 5 से 6 क्विंटल। और अपने ओने एवरेज बात करें कि कितने रुपए किलो अपन ने बेचे होंगे? वो हमने बेचे थे 35 रुपए किलो। 35 रुपए किलो के हिसाब से। साथियों, पहला जो प्रोडक्शन इनको मिला वो मिला 5 क्विंटल, और ये बता रहे हैं कि 35 रुपए किलो के हिसाब से इन्होंने ये मंडी के अंदर इन्होंने सेल किया। तो अपने बात करें कि जो 30 और 35 रुपए किलो के हिसाब से भी अपन बात करें, अब देखो साथियों, यहाँ पे हमारे बहुत से किसान साथियों के ये भी कमेंट आते हैं कि यार भाई, आपने 35 रुपए तो बहुत ज़्यादा बता दिए। हम यहाँ की जो मंडी है, यहाँ सीकर जो अपना जिला है राजस्थान में, उसकी अपन बात कर रहे हैं। अब हो सकता है आपकी मंडी में भाव कम हो या बहुत ज़्यादा हो, तो वो एक अलग मैटर है, उस हिसाब से आप काउंट करें। हम यहाँ का बता रहे हैं एवरेज, ये भाई बता रहे हैं कि 30 रुपए किलो से अभी इन्होंने नीचे
सेल नहीं किया मंडी के अंदर, और 5 क्विंटल की अपन बात करें यानी 500 किलो इन्होंने सेल किया, तो लगभग 15,000 रुपये का लॉट इनका निकलता है जब ये एक लॉट निकालते हैं। तो सर कितने दिन के गैप के बाद आप तुड़ाई का काम करते हैं? हर 3 दिन के गैप के बाद में तुड़ाई होती है। यानी कि लगभग ये बता रहे हैं कि 1 महीने में 10 बार ये तुड़ाई करेंगे, एक महीने में 10 बार इनकी तुड़ाई होने वाली है। तो उस हिसाब से अपन बात करें कि 1 महीने के अंदर ये लगभग यहाँ से 1.5 लाख रुपये प्लस का प्रोडक्शन मंडी के अंदर लेके जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से आपने ये सब चीज़ें जानी कि कौन सी ये फसल कर रहे हैं, वैरायटी के बारे में आपने जान लिया, कितने सीड्स है वो जान लिए। अब आपके सवाल आ रहे होंगे कि यार खर्चा कितना है वो तो आप बताओ, तो खर्चे की भी अपन बात करेंगे और इनका मुनाफा कितना वो भी अपन बात करेंगे। छोटू जी के साथ में इनके जो बड़े भाई हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं, आर्मी के अंदर है, वो भी एक काम इनके साथ में कर रहे हैं, आए हुए हैं, तो उनसे अपन खर्चे के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो सीताराम जी हमारे साथ हैं सर, मीटिंग स्टिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मीटिंग स्टिंग चैनल को हमारी ओर से भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो सीताराम जी, आप हमारे जो किसान भाई उनको बताइए कि इसका शुरू से लेके और लास्ट तक आपका जो खर्चा वो कितना आया इसमें? इसका देखो शुरू से लेके लास्ट तक खर्चा ऐसा है कि पहले तो इसमें सबसे बड़ी बेनिफिट की बात ये है कि इसमें हम 3 फसल निकाल लेते हैं। 3 फसल आप निकालते हैं? जैसे हमने इसके पहले यहाँ पर गेहूँ बो रखे थे, ठीक है, और उसके बाद अभी गेहूँ से लेके जो बाजरा बोने की फसल है उसके जो बीच का जो टाइम है ना, इसमें हमने ये कर मतलब ये फसल तैयार की है। तो इसमें हमने क्या किया कि एक तकनीकी मतलब तकनीकी समझो कुछ भी समझो इसको, उससे इसको तैयार किया है। इसमें प्लास्टिक लगाया है हमने, नीचे ड्रिप सिस्टम लगाया है, बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में और खासकर सेकावड़ क्षेत्र में धूप बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। तो इसके लिए हमने ऊपर से भी ये जो मिनी फुहारा है ये लगवाया है कि ज़्यादा जिस दिन धूप होती है उस दिन इसको ऊपर से भी हम मतलब फुहारा चला। सर आप ये बताइए कि जैसे यहाँ पे अपन बात करें, आपने जो प्लास्टिक लगाया उसका खर्चा कितना आता है एक आधे एकड़ के अंदर? मतलब इसमें ये 2 बीघा ज़मीन है हमारी, बिल्कुल, इसमें हमारे करीब टोटल खर्चा पड़ गया होगा कम से कम 35,000 से 40,000 रुपये का ये हमारा खर्चा पड़ गया। इसमें 8-10 हज़ार की प्लास्टिक आई है, बिल्कुल, ड्रिप सिस्टम आया है, ये ऊपर मिनी फुहारा है, बिल्कुल, बीज आ गया, ये सब कुछ आ गया। साथियों यहाँ पे सीताराम जी ने मैं बताया कि इनका जो टोटल खर्चा है 2 बीघा के अंदर वो है 35 से 40 हज़ार रुपये, मतलब अपन मान के चले कि 40,000 रुपये अधिकतम इनका खर्चा हुआ है। और सर अभी जो आपने फसल लगाई है ये 30 से 35 दिन बाद में तुड़ाई शुरू हो गई, तो आप कितने महीने तक इसमें तुड़ाई चलेगी? इसका ऐसा है कि ये एक ऐसी फसल है ये 2 महीने चलती है। 2 महीने इसमें तुड़ाई चलेगी? 2 महीने चलती है और 2 महीने बाद इसका मतलब टाइम खत्म हो जाता है। तो 2 महीने में जैसे अभी अपन को छोटू जी ने बताया कि हर 3 दिन के अंतराल के बाद में आप तुड़ाई करते हैं। हाँ जी, ये क्या है ना, एक ऐसा मतलब ये सब्जी एक ऐसी है कि ये बहुत जल्दी फिर पक जाती है। अभी साथियों आपने ये जाना कि सर ने बताया कि 3 दिन के अंतराल से तुड़ाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे लगभग 2 महीने में 20 बार तुड़ाई करने वाले हैं। और सर जो आपका एक लोट जाता है वो लगभग मंडी में अपन बात करें तो कितने रुपए का आप बेच कर आते हैं? देखो मंडी का तो बात है, पैसे की तो बात ऐसी है कि वहाँ मंडी का भाव पर डिफरेंट रहता है, बिल्कुल, लेकिन अब की बार हमने देखा है कि हर सब्जी हाई रेट चल रही है। हाई रेट, बिल्कुल। तो अभी हमारा मतलब ये सब्जी है जो 30 रुपये केजी से टिंडा कम नहीं गया है, बिल्कुल, और हमारी मिर्ची की फसल भी है, बिल्कुल, हरी मिर्ची की, बिल्कुल, वहाँ 60 रुपये केजी चल रही है वो अभी। तो साथ ही 30 रुपये किलो के हिसाब से सर आप बता रहे हैं, और आप एक बार जब तुड़ाई करते हैं तो कितना वजन आप लेके जाते हैं? कम से कम 5 क्विंटल वजन लेके 5 क्विंटल कम से कम, यानी कि अपन कहें कि आप लगभग 15,000 रुपये का आपका एक लोट जाता है। जी जी। और साथ ही यहाँ पे अपन एक बेसिक अगर अपन अमाउंट निकालें, ये 20 तुड़ाई यहाँ टोटल करने वाले हैं, 15,000 रुपये का एक लोट इनका निकलता है, तो लगभग ये जो है 3 लाख रुपये का यहाँ पे ये मुनाफा कमाने वाले हैं। तो साथियों आपने इस वीडियो में क्या जाना कि 3 महीने की ये फसल है और 3 महीने के अंदर ये 3 लाख रुपये का यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे, और उस प्रॉफिट में से अपन 30-35-40 हज़ार रुपये ये खर्चा बता रहे हैं। लगभग अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 महीने में अपन 3 लाख रुपये कैसे कमाएं, ये फॉर्मूला आपके लिए काम करता है। अगर मंडी के भाव ऊपर और नीचे होते हैं तो पैसे आपके कम और ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पे। और सीताराम जी, इसमें आप बताइए कि और कौन सी विशेष बात होती है जिनका अपन को ध्यान रखना होता है? इसमें सबसे विशेष बात ये है कि ये बीज लगाने के बाद में करीब 15 दिन का जब पौधा हो जाता है ना, बिल्कुल, तो इसको फूल वगैरह भी चालू हो जाता है 15 दिन में, तो इसके 2/4 पत्ते में इसको फूल आना शुरू हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी खास बात है इसमें एक हरी लट होती है, हरी लट पत्तों वाली कलर की होती है, वो दिखती नहीं है, वो दिखती दिख जाती है लेकिन बड़े गौर करने से दिखती है, क्यों हरे कलर की है वो, हरे कलर की लट होती है, वो इसके पत्ते को नष्ट करती है, पत्ते को छीनती है, उसका सबसे बड़ा इस पर फोकस रखना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, वो फसल को नष्ट कर सकती है। तो आप सीताराम जी ये बताइए, जैसे हमारे किसान साथी हैं जो ये मानते हैं कि भाई गेहूं की फसल की कटाई के बाद में 3 महीने जमीन को अपन तो ठाल में रखेंगे, अपन तो वहाँ कुछ नहीं बोएंगे, फिर अपन बाजरा बोएंगे बरसात होने के बाद में, उन किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे उन किसान भाइयों को कि अगर आप कुछ करना है, कुछ भविष्य में कुछ खास करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो जैसे ही गेहूं फसल कटती है उसके तुरंत बाद खेत को जोतो, अच्छा, अगली फसल की तैयारी
तैयारी करो। बिल्कुल, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, अगर आपने अभी एक्सपीरियंस लिया, अगर अपन गेहूँ बाजरे की फसल न करके जी अगर अपन पूरी की पूरी सब्जी की फसल ही करें 12 महीने, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा उसके बारे में ये कहना है कि अगर जिसके पास पानी की व्यवस्था है, सूटेबल है, बिल्कुल, कि सबसे मेन चीज़ ये हमारे यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पानी की जिसके पास है तो सब्जी जैसा कुछ नहीं, रोज एक तो सबसे मेन बात ये है रोज पैसे आएंगे, पैसे रोज आएंगे, कॉमर्शियल हो गया इसमें, सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि ये पैसे रोज आएंगे, बिल्कुल, एक बिजनेस की तरह हो जाता है। तो साथियों, अब हम जानना चाहेंगे इस किसान परिवार से, जो तीन जनरेशन आपके सामने खड़ी है, यहाँ पे दादाजी खड़े हैं, यहाँ पे पिताजी खड़े हैं, यहाँ पे छोटू भी हमारे साथ में खड़ा है, जो भी इन्वॉल्व है पूरा, कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि कैसे सब्जी की फसल होती है। तो हम जानना चाहेंगे इस किसान परिवार से कि मीटिंग स्टिंग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो हमारा मीटिंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई स्वागत है, बिल्कुल, कि आप लोग हमारे यहाँ पर खेतों में, कहाँ जो ढाणियों में हम खेती कर रहे हैं, उनके पास आए आप, बिल्कुल। और हमारा सबसे बड़ा आपसे यही अनुरोध है कि आप जो किसान भाई इन चीज़ों से वंचित है, बिल्कुल, उनको ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा दिखाएं या फिर कहीं जाके बताएं, बिल्कुल, जो कुछ लोग अभी वीडियो भी आजकल कुछ लोग देखते हैं, लेकिन किसान भाई क्या है, ज़्यादातर तो पहले वाले अनपढ़ है, बिल्कुल, तो वीडियो पे इतना जो नहीं देते, लेकिन जितना हो सके आपको इसका प्रचार मतलब करें कि इसमें इस चीज़ में ये बीज की फसल है, बिल्कुल, ये बीज की फसल है, इसमें बहुत बेनिफिट है। और इसमें सबसे खास बात मैं एक छोड़ दिया आपको, मैं वो फिर से बता रहा हूँ कि ये हमें जो ड्रिप सिस्टम लगाया ना, ये हमारी इधर धूप है इसकी वजह से लगाया है, ना कि ये ड्रिप से और प्लास्टिक से, ये कोई जरूरी नहीं है इसको, बिल्कुल, इतना खर्चा खुले से भी अपन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, हमने तो फर्स्ट बार किया है इसलिए सब कुछ यूज किया है, बिल्कुल, बाकी ये जो खेती है, हमने इसका जो हमारा मेन पॉइंट था वो हमने पकड़ा है अपने नीमका ताना के हरजन प्रभाषणी से, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर ये फसल करते हैं लोग और इस फसल को वो बिना प्लास्टिक के करते हैं, बिल्कुल। तो किसान भाइयों को ये ज्यादा ज्यादा फायदा होगा, इसे फायदा होगा हमें लगता है ऐसा, और किसान भाई है ना, इसको खुद एक बार कम से कम, ज्यादा नहीं तो आधा बीघा में, एक बीघा में करके देखो, इसका प्रैक्टिकल जब हमको ये चीज करते हैं तभी पता लगता है हर एक चीज का। साथियों, यहाँ पे सर से हमने मुलाकात करी, सारी जानकारी हमने ली, इन्होंने सब कुछ जो जानते हैं बेसिक डिटेल में आपको बताया, उसके साथ में इनका ये अनुरोध आपसे आग्रह है कि अगर कोई किसान भाई अपनी परंपरागत खेती कर रहा है, गेहूँ बाजरे की कर रहा है, अगर उनके पास 10 बीघा जमीन है तो ये कह रहे हैं कि 10 बीघा में न करके वो आधा या 1 बीघा में करके देखें, उनसे उनको फायदा होगा। और हमारा भी जो उद्देश्य है वो यही है कि जो भी किसान ये मानते हैं कि हम ये सब्जी वाली फसल नहीं कर सकते या हमारे यहाँ नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ये बदलाव करके देखें। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि हमने ये बदलाव आपके सामने लेके आए, ये पहले ऐसा नहीं किया करते थे, ये अपनी जो परंपरागत खेती है वही किया करते थे, अब की बार इन्होंने प्रैक्टिकल किया, ये सक्सेस रहा है। और अभी इनका उद्देश्य है कि इनके पास बहुत सारी ज़मीन अभी और है, 10-15 इनके पास बीघा ज़मीन है, 4-5 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें भी अगली बार ये पूरा प्रोडक्शन अच्छे से लेने वाले हैं। तो आई होप आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक राम राम साईं, राम राम साईं, राम राम साईं।